बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। अब जो हम लोगों ने 21 साल से शुरू किया है उसको अब हम लोग 18, 19, 20 से शुरू करेंगे, ताकि हमारी कोई भी बच्चियां ना बचे, कोई भी महिलाएं ना बचे। तो इसलिए आप घर में जो बेटी 18 साल की हो गई, जो 19 साल की हो गई, अभी तो हम घोषणा कर रहे हैं अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाएंगे, लेकिन सरकार आपके द्वार अभी जो चल रहा है उसमें उन बच्चियों का भी फॉर्म भरवाइएगा, उसका भी हम डाटा एंट्री करके रखेंगे, जैसे ही हम कानून बनाएंगे उनके खाता में भी हम पैसा डालेंगे। तो इसलिए सड़क पुल पुलिया के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग देख रहे हैं सड़क पुल पुलिया तो बन ही रहा है, मॉडल स्कूल बनिए रहा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई व्यवस्था कैसे हो ये भी हम कर रहे हैं, हमारे प्रखंड स्तर पर हमारा ट्रेनिंग कोचिंग चल रहा है और उस ट्रेनिंग कोचिंग में आने जाने का खर्चा भी राज्य सरकार भत्ता दे रही है हमारे नौजवानों को। तो आप लोग भी हुनरमंद बनिए, पढ़ाई के क्षेत्र से आगे बढ़ना है उस माध्यम से बढ़िए, स्वरोजगार के माध्यम से जाना है उस माध्यम से आगे बढ़िए, सारे रास्ते आपके लिए खोल रखिए। इसलिए आज के दिन इतने ही कहेंगे, आप लोग भी वापस जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग फिर आपके जिले जिले में जाएंगे और आपके इन समस्याओं के बारे में जानने समझने और उसका समाधान करने के लिए काम करेंगे। एक ऐसा इतिहास आप यहां आकर के रच रहे हैं, और इस मैया सम्मान योजना को आशीर्वाद देने और सम्मान देने जो आप लोग यहां पहुंचे हैं, गांव गांव पंचायत पंचायत टोला टोला से, और आपका इस आशीर्वाद के बदौलत जो हमें ताकत मिल रही है, मुझे लगता है आने वाला समय में इतने बड़े समूह और इतने बड़े सम्मान और आशीर्वाद शायद ही किसी को मिलेगा। और आज आपके इस उत्साह और इस सम्मान के बदौलत हमें ताकत मिलता है आप लोगों की सेवा करने के लिए, हमको ताकत मिलता है आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होने के लिए, हमें ताकत मिलती है कि आपके हर वो दुख, हर वो समस्या जिससे आप परेशान हैं उसको खत्म करने में मैं कोई सहयोग करूं। 2019 में सरकार हम लोग बनाए और सरकार बनाने से लेकर आज तक लगातार हमको कई चुनौतियां मिली। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आप सब लोगों ने देखा कि कितना डरावना, कितना बुरा वक्त था उस समय का, हम लोग ठीक से सरकार भी बना नहीं पाए थे, कोरोना का मकड़जाल पूरा देश दुनिया को जकड़ लिया। झारखंड तो सबसे देश का पिछड़ा राज्य है, कहने को तो इस राज्य को सोने का चिड़िया दुनिया में लोग बोलता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि सोने की चिड़िया की इस राज्य में लोगों को तन ढकने का भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता था।
ऐसे राज्य में ऐसे महामारी, ऐसे चुनौती एक अभिशाप के बराबर होता है। हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक रहता है। अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ता है। और ये बात हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता, हमारी सरकार से ज्यादा इस समस्या को और कोई नहीं बता सकता। हम वो भी दिन देखे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी और यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करते हुए मरा है। गुमला सिमडेगा तो इसका गवाह है कि कितने लोग मरे, महिलाएं मरी, बच्चे मरे, और उस समय हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यहां के लोग भूखे भूख से ही मर के खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने ताकत लगाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने सरकार बनाया, डबल इंजन की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया। और उसी दिन हमने यह संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, दो ढाई साल के बाद कोरोना का बादल छटने लगा। जब हम काम करना शुरू किया तो हमारे विपक्ष का लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग मेरा टांग खींचना शुरू कर दिया, हम पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। दो साल तक ईडी सीबीआई करता रहा, जब आखिरकार नहीं सका तो जबरदस्ती जेल के अंदर में भी डाल दिया हमको 5-6 महीना तक। लेकिन सच तो सच है, पानी में पैखाना करने से क्या पैखाना डूबता है क्या, फिर बाहर आ जाता है। यही गंदगी इन लोगों ने फैलाया और आखिरकार आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं। राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है। हमारा आज का भी कई ऐसा गांव है जहां के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता है, डीसी और एसपी का तो दूर का बात, कभी कोई पदाधिकारी गांव नहीं जाता था। हमारा गांव का हालत क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में हम लोगों ने पंडाल लगा लगा करके आप सभी ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का काम किया था। लेकिन गरीब 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 की बातें सुन सुनकर आज भी हम बहुत परेशान हैं। लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तसीली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को, लगभग 50 लाख महिला
इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी जो भी आज जिसका 21 साल हो जाएगा उसको आज पेंशन मिल जाएगा, जो कल 21 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा, और जब 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा। और इस राज की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक हम कुछ ना कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आप महिलाएं बोझा नहीं बनेंगी, महिलाओं को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। और आज हमारे अनपढ़ होने का, गांव देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने का लोग फायदा उठाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बोलने का ताकत रखता है उसको जेल में डाल देता है। आज अनेक गरीब गुरुआओं की आवाज उठाने वाला लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। इसीलिए हमारी इन बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सभी चीजें, और उसके बाद जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा, आदरणीय रमेश राव जी ने, हर इंसान का एक मूलभूत जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज के बगैर कोई इंसान ठीक से नहीं जी पाता है। और रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को चाहिए और हर अमीर को चाहिए, भले वो 10 मंजिला 20 मंजिला का मकान हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो टाई सूट बूट हो, चाहे तन ढकने के लिए एक साधारण कपड़ा हो। इस 22-24 साल के कार्यकाल में हम एक साल के लिए लगभग 13-14 महीना के लिए हम मुख्यमंत्री भी थे। उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री का कुर्सी हुई डबल इंजन से छीन कर लिया था, और उस समय हमने ये योजना चलाया था कि इस गरीब लोगों को साल में 2 बार हम कपड़ा देंगे, और मिला भी था। लेकिन फिर हमारी सरकार चली गई और ये तन ढकने का जो योजना था उसको फिर से इन लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन आज ये आपकी सरकार बनी और आज साल में 2 बार हम गरीबों को धोती साड़ी और लुंगी देने का काम कर रहे हैं।